हाय दोस्तों, मैं हूं पीतम। आप देख रहे हैं टेक्नो टॉपिक्स। चलिए आज कुछ नया बनाते हैं आपके लिए। दोस्तों, आज हम बनाएंगे ब्लूटूथ स्पाई कैमरा। इसके लिए ये जो कैमरा है मैंने ड्रोन से निकाला है। पुराना एक ड्रोन था, उसमें से ये निकाला है। आप भी कोई भी ड्रोन से ये छोटा सा कैमरा निकाल सकते हो। इसके बाद चाहिए हमें ये ब्लूटूथ डिवाइस। पुराना घर में आपका होगा ही। इसका वायर काट के अलग कर लीजिए, ये ज़रूरत नहीं है हमें। दोस्तों, चैनल में जो नया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, अब इस ब्लूटूथ डिवाइस को हम खोल लेते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर जो कैमरा होता है वो काम नहीं करता, लेकिन इसमें डाटा पिन और इनपुट पिन दिया हुआ है, इसलिए ये अच्छे से काम करेगा। दोस्तों, हमने ये ब्लूटूथ डिवाइस खोल लिया है। दोस्तों, ये जो डिवाइस है इसे सावधानी से खोलना ताकि इसमें कोई खराबी ना हो, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। दोस्तों, ये जो डिवाइस है इसकी जो आईसी है इसी में हमें ये कैमरे का कॉन्फ़िगरेशन डालना है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, हमने इसका सर्किट जो है वो निकाल लिया है। अब हम इसको स्टैंड में लगाएंगे। बड़ा ही सावधानी से ये काम आपको करना होगा। दोस्तों, अब हम इसका जो आईसी है इसका पिन की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इसके लिए हम एक मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम मल्टीमीटर को बजर मोड पे रख के ये चेक करेंगे। दोस्तों, हमारा जो पिन का कॉन्फ़िगरेशन था वो हमें मिल गया। ये जो आईसी है इसका बायां वाला जो है एक नंबर पिन वो हमारा प्लस है, और उल्टी तरफ जो पांच नंबर पिन है वो हमारा माइनस है डाटा के लिए। चलिए दोस्तों, इसमें हम कैमरे का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जोड़ेंगे। दोस्तों, इसमें से सिर्फ वीडियो आएगा, ऑडियो नहीं आएगा, इसलिए इसमें हमें दो वायर लगाना है। और ये जो पहले से ऑडियो का वायर था कटा हुआ, इसे हम निकाल देंगे ताकि एक दूसरे में लग के शॉर्ट ना हो जाए। दोस्तों, इस पिन पे हमें वायर लगाना है एक, और नहीं लगाना है बाकी में। और पीछे का जो ये आठ नंबर, नौ नंबर और ये पाँच नंबर में हमें लगाना है। चलिए दोस्तों, इसमें वायर अटैच करते हैं।
देख रहे हैं ये शॉर्ट करने से जल रहा है। दोस्तों बड़ा ही सावधानी से आपको ये काम करना पड़ेगा, कोई भी जो पिन है एक दूसरे से ना सोल्डरिंग हो जाए, नहीं तो आपका कैमरा भी ख़राब हो सकता है। पहले कैमरे का जो वायर है वो सोल्डरिंग कर लीजिए। दोस्तों इसमें चार वायर है, दो वायर जो लाल और काला है इसमें हम पावर देंगे, और जो ग्रीन वाला है इसमें हम डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे। ये डेटा वाला वायर एक लगा लिया हमने, दूसरा जो है वो पाँच नंबर पिन में है। बड़ा ही सावधानी से दोस्तों ये काम करना आपने। चलिए दोस्तों हमारा ये सोल्डरिंग हो गया, हमारा कैमरा का जो डेटा पिन है वो लग चुका है। अब हम इसमें पावर का जो वायर है वो लगाएंगे। दोस्तों आप चाहे तो इसमें अलग बैटरी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसी बैटरी से ये कैमरा को पावर दूंगा, क्योंकि दोस्तों ये अलग पावर से चलता है, इसलिए आप इसमें अलग छोटा सा 3.7 वोल्ट का बैटरी अटैच कर सकते हैं। यही बैटरी से मैं इसको पावर दूंगा। दोस्तों हमारा सोल्डरिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं यह हमारा कैमरा है। दोस्तों इसको मैंने किसी के साथ अटैच नहीं किया है। चलिए दोस्तों अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों बड़ा ही सावधानी से इसका सोल्डरिंग करना पड़ता है, नहीं तो ये नहीं चलेगा। दोस्तों करने से पहले आप फ़ोन को रिस्टार्ट कीजिएगा, नहीं तो वीडियो कॉन्फ़िगर नहीं होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों।